गाइस, चल चल के थक चुका हूँ, बाइक चला के थक चुका हूँ। फेस से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। अभी थक हार के हम लोग पहुँच गए भुवनेश्वरी टेम्पल। आप बोल सकते हो इट्स वन ऑफ ए काइंड। इसको बनाया है महाराजा गोविंद माणिक्य ने कुछ 1660 to 1675 AD। उनका पैलेस इसके साइड में ही है, बाजू में ही है इनका पैलेस। और अभी मैं जहाँ पर हूँ वो एक टावर है ये भुवनेश्वरी टेम्पल के साइड में, सो दैट आप लोग आके यहाँ पर चढ़ के इसके आजू बाजू जो कुछ भी है लैंडस्केप, ग्रीनरी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ से। और पास में ही है गोमती रिवर, रिवर गोमती। और एक और चीज़ गाइस, अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो या फिर भाई बहन के साथ आ रहे हो जो कि छोटे हैं, और इवन आप लोग भी जब भी आप यहाँ पर आए घूमने के लिए और इस टावर पे चढ़े, उस टाइम पे बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये टावर का जो सीरिया है वो टूट चुका है, आयरन का बना हुआ है, टूट चुका है। बी वेरी केयरफुल, टूट चुका है मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, वो ऐसे हिल गया है, वो पैर रखते ही वो नीचे चला जाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू कम ओवर हियर। सो चलिए देखते हैं टावर के ऊपर से व्यू कैसा आता है, उसके बाद हम चलते हैं भुवनेश्वरी टेम्पल। दिस इज द टेम्पल एट प्रेजेंट। पूजा यहीं पर होता है माता भुवनेश्वरी। और यहाँ से आप अगर इस तरफ देखेंगे, मतलब रास्ते से जैसे आप आए हो यहाँ पर, तो ये जो है ये था महाराजा गोविंद माणिक्य के टाइम पे ये हुआ करता था भुवनेश्वरी टेम्पल। इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर जाते हैं भुवनेश्वरी टेम्पल जो पहले का था देखने के लिए। इसका पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आप लोग पॉज मार के देख लीजिएगा। आप लोग देख के समझ पा रहे हो द प्लेस इज एक्सट्रीमली क्लीन। सो यहाँ पर छोटे छोटे बेंचेस बनाए गए हैं और डस्टबिन है हर जगह पे, जो कि बहुत ही अच्छे है। अगर लोग यूज़ करें तो अच्छा, अगर यूज़ नहीं करें तो क्या कर सकते हैं। पहले साइड वाला पार्ट देख लेते हैं पूरा। देख सकते हो इट्स बिल्ट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली, द आर्किटेक्चर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दिस इज द बैक साइड ऑफ द टेम्पल। Completely filled with forest. और ये है इसका गेट। The most important thing regarding this temple is यहाँ पर बलि प्रथा हुआ करता था। और अगर आप मंदिर से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद ये जो रास्ता है ये जो पार्ट है मंदिर में पहले जो बलि प्रथा हुआ करता था, उसके बाद बलि देने के बाद यहाँ से ब्लड फ्लो होता था, मतलब रक्त यहाँ से धो के निकलते थे। ओके नहीं सॉरी